अच्छा उस कारण से, समझा समझा। आ जाओ। हाँ आकाश ने बोलोगे आवाज कम करो साला, आदमी चिल्लाता जानवर की तरह। चलो आ जाओ। खुशी सिंगल, यस बेटा हाय, आ जाओ। वैदिक, माधुरी, खुशी, बाकी बच्चे किधर है तेरे? कुछ गिने चुने बच्चे यहाँ पे, बाकी बच्चे बात किया करो ना मुझसे, समझ नहीं आता। ऑनलाइन है मतलब ये थोड़ी कि आपने सिर्फ शांत बैठने का है। यस हाय बेटा, हाय ऋषिकेश। सो ध्यान दे दो सब लोग। सो ड्यू डेट ऑफ द बिल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में। आ जाओ, ड्यू डेट को हम लोग पूरा एकदम शिद्दत और ईमानदारी के साथ आज यहाँ पे इसके सारे रूल्स लिख लेते। 3 से 4 मिनट में आप ड्यू डेट में मास्टर हो जाओगे। अच्छा आप लोगों को बिल स्वैप एक्सचेंज की एंट्री समझ में आई सभी को? बोल तू बोल, चल बोल बोलना। हाँ नहीं ना, एंट्री बोल। सबसे पहली वाली एंट्री, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, अन्ना क्या एंट्री पास करेगा? बन्ना टू सेल। अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था पैसा देगा कि नहीं देगा, इसलिए अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। उस डॉक्यूमेंट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो मेरे पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल बन के आ गया। तो मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल टू बन्ना। यस। अब उस बिल के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ? अब यहाँ से चाची एक, या तो मेरे पास ही रखूंगा, या तो बिल डिस्काउंट कर दूंगा, या तो बिल एंडोर्स कर दूंगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। अब इन चारों केसेस में ऑनर की एंट्री भी देखा, डिसऑनर की भी देखा, और इंसॉल्वेंट हो गया तो डिसऑनर तो बिल हो ही गया, तो डिसऑनर की एंट्री इंसॉल्वेंसी में सेम कॉपी पेस्ट रहेगी क्या? डिसऑनर वाली एंट्री सेम है। और आखिरी में इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं आया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन था? बन्ना। यस और नो? सिंपल सिंपल सी एंट्रीज हमने देखा था, आपको अगर याद आ रहा है तो प्लीज ध्यान देना। थोड़ा सा आगे बढ़ते, उसके बाद हमने ये देखा था ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है, बिल का ड्यू डेट है ना। आ जाओ, केस वन केस टू हमने देख लिया था, केस थ्री। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान दे, केस थ्री के अंदर में क्या दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। बिल ड्रॉन फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जून 2022। मैंने बिल तो ड्रॉ कर दिया 1 जून को, बट सामने वाली पार्टी ने बिल कब एक्सेप्ट किया मालूम है? 5 जून को। साला सोया हुआ था 4 दिन तक, बिल एक्सेप्टेड। आज तक क्या होता था? जिस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया उसी दिन बिल एक्सेप्ट कर लिया। इस बार क्या हुआ? बिल ड्रॉ किया 1 जून को, सामने वाले ने बिल कब एक्सेप्ट किया? 5 जून। और बिल कौन सा था? ये था बिल आफ्टर प्रेजेंटमेंट। ये बिल की जात है, कास्ट है। बिल कौन सा था? आफ्टर प्रेजेंटमेंट, या इसी को बोलते हैं बिल आफ्टर साइट। आफ्टर प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट, जो कहने कह लो, आफ्टर प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट। टेन्योर था 40 days। टेन्योर कितना था? अच्छा 40 नहीं, काम करो 90 days लिख दो, आपको कैलकुलेशन के सारे उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे लंबे समय में। 90 days लिखो, ठीक है। और आपको बोला है ड्यू डेट कैलकुलेट करो, लिखो इसका आंसर। बिल कौन सा है? आफ्टर साइट है, ये आफ्टर प्रेजेंटमेंट। जब कभी भी बिल आफ्टर साइट या आफ्टर प्रेजेंटमेंट है ना बच्चों, आज थोड़ा लेक्चर जल्दी छोड़ूंगा मैं आपका, ठीक है। आज गला और नाक सब ऐसा क्लीन करके जाना है मेरे को। वही हमारे इधर एक मिलिट्री वाला डॉक्टर है, वो क्या करता मालूम है? क्या कोई तो लिक्विड है, वो एक डंडी रहती ना, बचपन में कुल्फी खाते थे ना कुल्फी, वो कुल्फी की जो डंडी रहती थी, उस डंडी के ऊपर कॉटन लगाता, कॉटन लगाने के बाद कुछ तो लिक्विड में डुबाता है, और वो डंडी ऐसी यहाँ तक डाल देता अंदर गले में, ऐसे ऐसे करता, और तुरंत बेसिंग के पास जाने बोलता है, सब उल्टी हो जाती। फिर वो दंडी के अंदर में नाक में डालता है और सब अपना बाहर, माल मसाला जो भी कुछ है। यस और नो?
तो बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, मिलिट्री का रिटायर्ड डॉक्टर है, जैसे मिलिट्री में भी डॉक्टर होते हैं ना, तो मिलिट्री का रिटायर्ड डॉक्टर है, तो उसके पास ऐसे इलाज रहते हैं ना। ये इधर में करवे नगर में, करवे नगर में, करवे नगर में नॉर्मल अपने डॉक्टर रहते तो क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स गोली ये वो, जनरल गोलियाँ एंटीबायोटिक्स वगैरह वो सब देते, वो गोली भी नहीं देता, डायरेक्ट कान नाक तो वो ऐसे ही क्लीन कर देता पूरा, बट जबरदस्त चीज़ है। बट उसमें ना दुखता बहुत, क्योंकि वो जब उल्टी होती है ना, वो स्पिरिट ही रहता है ना वो पूरा, वो क्या रहता होगा उसका, लाल लाल भड़क रंग का होता है एकदम, जैसे एकदम ये वाला कलर देखो, ये वाला, ये कलर का दवा रहता है उसका बस। एग्जैक्ट। अच्छा आपको ये ब्लैक दिख रहा है क्या? नहीं एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, वो डार्क रेड है ना। तो वहां पे मैं जाऊंगा आज, एक बार जाना पड़ेगा, ये तो फिर क्या है, जब तबियत खराब हो जाएगी। अभी तबियत से उठाऊ ना, आ जाओ। सो प्लीज ध्यान देना, बिल ड्रॉ कब किया? 1 जून को। बिल एक्सेप्ट कब किया? 5 जून को। सुन, और बिल कौन सा था? आफ्टर डेट। मुझे ध्यान देना, मेरे साथ चलना, आफ्टर डेट और आफ्टर प्रेजेंट भी कहने के लो, सॉरी आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट, आफ्टर नहीं, आफ्टर, आफ्टर साइट, आफ्टर प्रेजेंटमेंट का हिंदी भाषा में मतलब होता है बिल का ड्यूरेशन। हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे? जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से। इसी को प्यार से आफ्टर एक्सेप्टेंस भी बोल देते, आफ्टर एक्सेप्टेंस। शाम तेरे कितने नाम बेटा, स्कूल नहीं होते। हेलो हेलो, ओके अभी आ रहा है। हाँ बेटा वॉइस कट हो रहा है ना, हाँ हाँ कर दिया हमने क्लियर। सो बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर साइट और आफ्टर प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? बिल का ड्यूरेशन कहां से शुरू होगा? बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से। चल निकाल रहे बेटा, फिर मैं बिल कब एक्सेप्ट किया? 5 जून। आज तक हम लोग ड्यूरेशन कहां से स्टार्ट करते मालूम है क्या? बिल ड्रॉन से। इस बार आफ्टर एक्सेप्टेंस है या आफ्टर प्रेजेंटमेंट है या आफ्टर साइट है, तो ड्यूरेशन कहां से चालू करेंगे? डेट एक्सेप्टेड से, जहां से जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से। वो सिंपल है ना, अगर आफ्टर डेट बिल होता तो ड्यूरेशन कहां से शुरू होता? बिल ड्रॉन से। सर लिख के दे दो ना कौन से केस में कहां से शुरू होगा। सो टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOA डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOD डेट ऑफ ड्रॉइंग। सो कौन से केस में एक्सेप्टेंस से शुरू होगा बेटा? इन द केस अगर बिल आफ्टर साइट है या फिर बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस है या फिर बिल आफ्टर प्रेजेंटमेंट है, इसमें से कोई भी टाइप का अगर बिल है तो हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू करेंगे। यस और नो, क्लियर? या फिर बिल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से, या बाकी और कोई भी केस में कहां से शुरू करेंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग से। टेन्योर कहां से स्टार्ट करना है ये उसका किस्सा लिखवा के दे रहा हूं। टेन्योर कहां से स्टार्ट करना है ये वो किस्सा लिख रहे हैं। ये क्या है? डेट ऑफ ड्रॉइंग, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOA डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOD डेट ऑफ ड्रॉइंग। डन, लिखा बेटा सभी ने? लिखो लिखो। लिखा? आ जाओ। नहीं लिखा? बताओ बेटा बिल कहां से एक्सेप्ट किया था हमने, मतलब सामने वाली पार्टी ने? 5 जून को। ड्यूरेशन कितना है? 90 डेज।
अब जब डेज बोला है ना तो डेज में काउंट करना। अब ये कैलकुलेशन बहुत काम का है। वर्किंग नोट, 90 डेज कैसे काउंट करना है, एग्जैक्ट डेट आना चाहिए। एक दिन भी आगे पीछे हुआ तो नंबर गलत हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सीएमए फाउंडेशन का एक्सक्लूसिव अकाउंटिंग सब्जेक्ट का बैच चल रहा है, सब लोग प्लीज ध्यान देना। दिख रहा है सभी को उधर में? हाँ चलो ले लो अभी, ये अपना क्वेश्चन है राइट, आ जाओ। चलो 90 दिन है, कहां से काउंट करना है बेटा? अभी 5 जून से है आगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर डाइट, आफ्टर साइट है, आफ्टर प्रेजेंटेशन है, आफ्टर एक्सेप्टेंस है, तो कहां से काउंट करूंगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। चलो 5 जून के आगे 90 दिन काउंट करो। कैसे काउंट करना तरीका बता, तो एक बार देख लो पहले। 5 जून से आगे यानी 5 जून को नहीं लेना है, उससे आगे 6, 7, 8, 9, 10। 10 जून तक कितने दिन हो गए? 5 दिन ना। जून, जुलाई, सर जून क्यों लिखा? जून मंथ से, जून मंथ की डेज काउंट करना है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है जो भी आएगा प्लीज ध्यान देना। 5 जून से आगे 90 दिन, तो 5 जून से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जून तक के कितने हो गए? 5 दिन। और आगे 11 जून से, जून कितने दिन का होता है? 30 डेज का। आगे 11 से 30 कितने हो गए? 20 दिन। कितने हो गए टोटल जून में? 25 दिन। नहीं समझा, वापस बताता हूं यार, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका। जून में कितने दिन है? 30 दिन। और कौन से दिन से आगे काउंट करना है? 5 जून से आगे। 30 में से 5 चले गए, बचे कितने? तो जून में कितने दिन हो गए? 25। 5 जून के आगे 30 जून तक, 30 - 5 = 25 राइट, ये समझा। जुलाई में कितने दिन है? ये कहां तक काउंट करना है ऐसा? 90 टोटल आनी चाहिए, 90 दिन है ना। अगस्त में कितने दिन है? 31। अगस्त 31 का होता है सर, जुलाई अगस्त दोनों 31 31। हाँ देख लो, जैन फेब, गड्ढे में गया मतलब 30, ऊपर आ 31 31 30, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई ऊपर आया ना, अगस्त फिर से ऊपर आएगा, देखो दूसरे आदमी। तो जुलाई अगस्त दोनों में कितने दिन है? 31 31। कितनी हो गई टोटल? 31 31, 62 62 82 और 5 87। और कितने चाहिए? 3 दिन और चाहिए, बैलेंसिंग फिगर, 3 दिन और चाहिए ना। आप सबकी टोटल हो गई 90। चलो क्या आ गया फिर? प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 3 दिन के आगे, 3 सितंबर के आगे 3 दिन, 4 5 6, 6 राइट। सिंपल है क्या? अब अगर 6 सितंबर को, 6 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे आ जाता तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, अगर 6 सितंबर को सडन हॉलिडे आ जाता तो सक्सीडिंग वर्किंग डे, 7 सितंबर पब्लिक हॉलिडे आता तो 5 सितंबर। एक बच्चे ने बोला सर डीओए क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डीओडी डेट ऑफ ड्रॉइंग, डन। हाँ बोल बेटा, स्क्रॉल करो इधर, समझाए ये कैसे निकाले मैंने डेज? 5 जून से आगे, रुको जून मंथ चल रहा है, जून में 30 दिन का मैंने, 30 दिन का, 5 जून से आगे 30 दिन, रुको 30 - 5 = 25 दिन, जुलाई में पूरे 31 दिन बोला तो दिन के हिसाब से काउंट करना, ठीक है। चलो आगे, अच्छा ग्रेस पीरियड आएगा के नहीं आएगा? अगर इफ बिल इज, इफ बिल इज एट साइट ऑन डिमांड, देखते ही गोली मार दो उसे, एट साइट ऑन डिमांड, देखते ही या डिमांड करते ही देना पड़ेगा, ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटेशन। इस टाइप का अगर बिल है तो वहां पे ग्रेस पीरियड नहीं रहेगा, नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड, देन 0 ग्रेस पीरियड। बिल अगर एट साइट है, बिल ऑन डिमांड है या ऑन प्रेजेंटेशन है,
तो वहां पे ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करना। सर हमें क्या समझेगा कौन सा बिल है? क्वेश्चन से लिखते हैं ना, मन से थोड़ी देंगे। और सर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ले लेना और ग्रेस पीरियड रहेगा इन एनी अदर केस बैलेंसिंग फिगर। बाकी कोई भी केस में ग्रेस पीरियड आएगा। वो हम लोग जो आखिर में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करते ना, कब ऐड करना है और कब नहीं करना है, तो कब नहीं करना है ये मैंने आपको बता दिया निगेटिव लिस्ट। बची हुई सारी केस में ग्रेस पीरियड ऐड करना। सर जरा एक ग्रेस पीरियड वाला और सारी सारी एडजस्टमेंट एक में आ जाए ऐसा क्वेश्चन ले लो। ले लेता हूं, लेता हूं बेटा, आ जाओ। लिखा सभी ने? हाँ बेटा माधुरी बता रहो। लिखा? आ जाओ प्लीज ध्यान दे दो। एक देखो तो एक क्वेश्चन बता रहो, प्लीज ध्यान देना। बिल आफ्टर साइट drawn on 1st April 2022 comma bill accepted on 15 इतना 15 दिन नहीं है, 12 अप्रैल समझ लो, 12th अप्रैल 2022 बिल कब एक्सेप्ट किया? 12 अप्रैल को। बिल कौन सा है? आफ्टर साइट। ड्यूरेशन फोर मंथ, कैलकुलेट ड्यू डेट इफ बिल इज ऑन डिमांड बिल, एंड फिर से ड्यू डेट निकालना है इफ एनी अदर केस। आपको दो बार आंसर निकालना है, बिल ऑन डिमांड है तो क्या आंसर रहेगा और दूसरी कोई केस है तो क्या आंसर रहेगा, बता दो। बरोबर है? प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो बिल आफ्टर साइट है, सबसे पहले ये बता दो ड्यूरेशन कहां से काउंट करूं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ ड्रॉइंग? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से मैं काउंट करूंगा 12 अप्रैल 2022। ड्यूरेशन बताओ कितना है? 4 मंथ। ड्यूरेशन कितना है बेटा? 4 मंथ। बता दो कितना आया? 12 अगस्त 2022। बरोबर है क्या? अब यहां पे दो बार सवाल पूछा है, बिल ऑन डिमांड है देयर फोर ग्रेस पीरियड 0, और एनी अदर केस है देयर फोर ग्रेस पीरियड कितना आएगा? 3 डेज। तो सेम यहां पे बिल इफ बिल इज ऑन डिमांड तो ग्रेस पीरियड कितना रहेगा? 0 डेज। तो ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 12 अगस्त। बरोबर ना? और एनी अदर केस है तो ये तो 12 अगस्त हमने निकाल के रखा। इफ एनी अदर केस
देन 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो ड्यू डेट क्या आ रहा है 15th अगस्त, बरोबर है क्या? 12 के आगे 13, 14, 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या है बेटा आपका? पब्लिक हॉलीडे। अब सर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? नहीं, आप भारतवासी हो, आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों पता होना चाहिए। बोल बेटा 26 जनवरी क्या है रे? रिपब्लिक डे, मराठी का मिनट, प्रजासत्ताक दिवस, यस और नो? और आपका 15 अगस्त क्या है? इंडिपेंडेंस डे, आजादी मिली थी, राइट? और एक सेलिब्रिटी को, मूवी के एक स्टार को पूछ लिया था 15 अगस्त क्या था, तो बोलती रिपब्लिक डे। वो पगली क्या बोलती है? रिपब्लिक डे। नाम नहीं लेना चाहूंगा, मालूम है काफी बच्चों ने देखा होगा इंटरव्यू। नहीं नहीं हीरोइन है, मालूम है किसी को नाम? नहीं मालूम, अभी बोला ना किसी ने, हाँ उसको नहीं मालूम, और उसको जब पलट के बोला गया तो उसपे भड़क गई रिपोर्टर पे, तुझे मालूम है इधर का राष्ट्रपति कौन है, तुझे मालूम है उधर का कौन है, और गप 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 गालियां दे दी उसको 3-4 वहीं के वहीं पे, समझ में आया क्या? उसको रिपोर्टर ने पूछा तो वो उसने गलत जवाब दे दिया या कुछ नहीं मालूम था ऐसा बोला, तो रिपोर्टर फिर बोला मैम आप इधर हो और आपको ये भी नहीं मालूम, तो उसने क्या बोला, तुझे पता है यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, इसका क्या? ऐसे कुछ तो देश का नाम का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में पूछना शुरू कर दी, तो वो बोला मैं उस देश में नहीं रहता हूँ, रहता तो मुझे पता होता, और बेचारे ने मतलब ऐसा सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। चलो ठीक है, एक बच्चा बोला सर केस 3 बताओ, केस 3 तो लिखा ही काम ने, दो ही तो केस है यहां पे, ए बी। अब ड्यू डेट के दिन सुबह से 10 बार कर दिया, सॉरी। अब यहां पे ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया, सिंस पब्लिक हॉलीडे देयरफॉर प्रीसीडिंग वर्किंग डे 14th of August, लिखा बेटा, ये वापस लिख दूं क्या? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ड्यूरेशन 12th April, 4 month, ये थी आपकी केस ए और ये है आपकी केस बी, राइट? लिखा बेटा सभी ने? एक बार इसमें किसी को कोई डाउट है? माधुरी समझ में आया बेटा मुन्ना? सो एक बार पूरा का पूरा मैं वापस, अब तक जो भी मैंने आपको बताया इसमें ड्यू डेट के कैलकुलेशन में, वो एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं। मुन्ना ध्यान देना सब लोग, हाँ ध्यान देना, आ जाओ देख तो मुन्ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू कोई तो डेट आएगी, प्लस ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू ड्यू डेट, समरी हा इज इक्वल टू ड्यू डेट। In any other case, कहां से स्टार्ट करना है टेन्यूअर? ड्रॉइंग। आ गया क्या दोनों एक साथ? दोनों में से कोई तो एक ही रहेगा, दोनों के से एक साथ नहीं आएगी, बरोबर है? बीच में और लिख देता हूं, चलो शुरुआत जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उसका लफड़ा तो खत्म हो गया। सो शुरुआत कहां से करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, बरोबर ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है, ईयर नहीं रहता है। बिल रिसीवेबल ये जनरली करंट असेट है, करंट असेट में ड्यूरेशन 12 महीने से आगे, इयर्स बोला तो 12 महीने से आगे चला जाएगा ना, है ना? लेस देन 12 मंथ,
तो मंथ और डेज में रहेगा, मंथ में रहा तो मंथ में, जैसे कि नहीं 28 फेब को बिल ड्रॉ किया और ड्यूरेशन 1 मंथ है, तो बताओ 28 क्या आएगा ड्यू डेट। मैंने आपसे सवाल पूछा 28 फेब को बिल ड्रॉ किया, 28 फेब 2019 बिल ड्रॉ किया, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग है, ड्यूरेशन 1 मंथ है, बोलो ड्यू डेट क्या आएगा। ड्यूरेशन 1 मंथ है, 28 फेब को ड्रॉ किया, बिल का ड्यू डेट पूछा है मैंने आपसे, 28 मार्च, नो रॉन्ग आंसर, 3 दिन का ग्रेस पीरियड कौन ऐड करेगा, एक्सेप्ट की डेट नहीं दी है क्वेश्चन में। एक बच्ची पूछ रही है सर बिल एक्सेप्ट कब किया, नहीं दिया डेट, मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग ही डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। हाँ बोलो, 31 मार्च और कोई फर्स्ट बोल दो ना, सारी डेट आगे की, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, इसमें से एक आएगा, बोलो 31 मार्च, 1 अप्रैल, सब गलत है क्या, 29, नो। चलो बेटा आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ दिया नहीं, तो हम लोग डेट ऑफ ड्रॉइंग से टेन्योर लेंगे। चलो 28 फरवरी है, ये फरवरी का मंथ एंड है, तो एक महीना मार्च का मंथ एंड आएगा, मंथ बोला तो मंथ, आप डेज में पड़ गए, 28 फरवरी फरवरी का लास्ट डे है ना, 30 जून के बाद एक महीना कब खत्म होता है, जून एंडिंग के बाद अगला एक महीना जुलाई एंडिंग, जून एंड के बाद एक महीना कब आता है, जुलाई एंडिंग, यस और नो, यस और नो, क्लियर। आगे 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 31 जन 1 2 3, आपसे ही नहीं काफी सारी किताबों में भी ये गलतियां हो जाती है। अरे कॉमन सेंस अप्लाई करो ना यार, 28 फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, 29 नहीं है, ये लास्ट डे है ना फरवरी का, तो वहां से एक महीना कब आता है, मार्च का लास्ट डे, यस और नो। आप ऐसा करते ना, ये अगर होता ना तो यहां पे आपको तकलीफ ही नहीं आती, 1 मंथ, तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, 1 मार्च, फरवरी का पहला दिन, मार्च का पहला दिन, आप दिमाग लगाते हो कि 28 का महीना है कि 29 का, फिर यहां क्यों लगा रहे हो, बरोबर है क्या, क्लियर, पक्की बात। बस ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे ध्यान रखना, क्लियर। सर हमने 12th में जो बुक देखी थी उसके अंदर में देते थे 28 फरवरी के बाद एक महीना 28 मार्च और आगे 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 29, 30, 31, रॉन्ग है, गलत तरीका है, वैसा नहीं होना चाहिए। फरवरी का लास्ट डे है ना, तो उधर में भी लास्ट डे लेना चाहिए, बराबर है। सर हमारे मॉड्यूल और एमटीपी में क्या रहेगा, डोंट वरी, हम लोग एमटीपी का एक बार वहां पे डिस्कशन करेंगे, तब एमटीपी का जो आंसर रहेगा हम लोग उसे फॉलो करेंगे। देन 3 अप्रैल, देखो अर्जुन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रियांशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है सर, वो लोग देखते होंगे ना ऑनलाइन वाले, नो बेटा ऐसा देखते नहीं है, डोंट वरी। सर हमने क्या फॉलो करना है, मैं आपकी एमटीपी और आरटीपी से देख करके आपको बता दूंगा कि आपने क्या फॉलो करना है, एमटीपी आरटीपी के अंदर में जो दिया रहेगा हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे ना हम लोगों को ड्यू डेट के कैलकुलेशन के। चलो ये लिख लिया हमने सभी ने, उसके बाद जो भी एक डेट आएगी और ग्रेस पीरियड लेना कि नहीं लेना, 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा, बट कुछ कुछ केस में ग्रेस पीरियड 0 डेज रहेगा, कब रहेगा, इफ बिल इज ऑन डिमांड या बिल इज एट साइट देखते ही, या बिल इज ऑन प्रेजेंटमेंट। सो ये लो, मैंने आपकी सारी केसेस यहां पे कवर कर दी, और इफ ऑन ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो, और सडन हॉलीडे है तो, सारा ड्यू डेट का कैलकुलेशन, अभी ध्यान दे बेटा, सारा ड्यू डेट का कैलकुलेशन यहां पे आ गया क्या, पब्लिक हॉलीडे है तो
प्रीसीडिंग वर्किंग डे, सडन हॉलीडे है तो दैट्स इट, सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही जगह पे। ये वाली केस नहीं लिखी तो भी चलेगा अभी आपने, है ना, ये 28 फरवरी वन मंथ 31 मार्च, ये आप लोगों का एमटीपी और आरटीपी के अंदर में जो लेटेस्ट वाला है ना उसके अंदर में देख करके फिर आपको वहां से बताता हूं। क्योंकि देखो जिंदगी में तीन टाइप के आंसर होते हैं, एक करेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर और एक होता है आईसीएमएआई आंसर। तो आपको कौन से आंसर को नंबर मिलने वाले हैं, करेक्ट को, इनकरेक्ट को? नो, आईसीएमएआई आंसर को नंबर मिलेंगे। बट जहां कहीं भी डायलेमा है, डिलेमा है, तो वहां पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, आईसीएमएआई आंसर, है ना। तो ये वो डिलेमा वाली स्टेज है। कुछ किताबों के अंदर में 31 मार्च दिया है, कुछ में 3 अप्रैल दिया है। आईसीएमएआई ने जो फॉलो किया हम लोग भी वही फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने को मार्क्स कौन देगा, आईसीएमएआई। तो अमित लोढ़ी सुनना बेटा, ये वाला पार्ट छोड़ देना अभी, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, लिखो फटाफट से, ऋषिकेश, अमित, ये वाला पार्ट लिख लो अच्छे से। लिखा बेटा सभी ने, डन। क्या हुआ, आवाज दे किसी ने, लिख लो लिख लो। अब इसके एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे टुमारो, आज के लिए इतना काफी है, आज थोड़ा सा जल्दी फ्री करो आपको, कल हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा आप लोगों का मेरे पहले का लेक्चर कितने बजे आप एग्जैक्ट फ्री हो जाते हो, 12:30 कहाँ 12:30, आप तो पहले फ्री होते हो ना, आप पहले फ्री नहीं होते हो, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट का आगे पीछे हुआ है ना कुछ, तो 10 मिनट का आगे पीछे हुआ है। अच्छा आप 1 घंटा पहले आ रहे हो, हाँ। अच्छा मेरे पहले 2 और है, कौन आए मेरे पहले, ओके ओके चलो ठीक है। तो आप 12:15 को फ्री होते होंगे ना, 12:20 को ना, 12:30 को फ्री हो जाते हो आप, चले ओके, अपने को क्या 5-10 मिनट आगे पीछे, डन। चलो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है, लेक्चर यहीं रोक रहा हूँ, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा, डन। थैंक यू वेरी मच यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा आज का होमवर्क तो सुन लो, होमवर्क तो सुन लो, आप लोगों के पास में इंस्टीट्यूट का मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगा तो गूगल पे जाके, एंड्रॉइड फोन है आप सभी के पास, नौटंकी करना मत, आईसी गूगल पे जाके इतना लिखना, CMA फाउंडेशन अकाउंटिंग पीडीएफ, पीडीएफ तो आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, डाउनलोड करना, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यू ट्राई करना, ठीक है। क्या करोगे, ट्राई, 5 में से 4 भी गलत हुए तो भी चलेगा, मैं बैठा हूं, है ना, कल करवाता हूं। और नोट्स आपकी रेडी नियर अबाउट हो चुकी है ना, नोट्स रेडी होते ही प्रिंटिंग के लिए देंगे, प्रिंटिंग से प्रिंट होकर के आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सारे नोट्स में रहेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डन, थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।